नमस्कार, आप देख रहे हैं डब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के मामले में ममता बनर्जी ने जनता और अन्य पार्टियों के सामने घुटने टेके। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित बयान के चलते तृणमूल कांग्रेस और सुप्रीमो ममता बनर्जी चौतरफा घिरी हुई हैं। विपक्ष लगातार ममता से माफी की मांग कर रहा था। इस बीच ममता बनर्जी ने टीएमसी नेता अखिल गिरी के विवादास्पद बयान पर माफी मांग ली है। यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर ममता बनर्जी जैसी सख्त महिला क्यों झुकी? इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या फिर उन्हें सच में गलती का एहसास हो गया है? इस पर राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि ममता बनर्जी की छवि को देखते हुए यह साफ है कि वह झुकने वालों में से नहीं है। इसलिए इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पश्चिम बंगाल में आदिवासी वोट बैंक। गौरतलब है कि आदिवासी समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। ऐसे में उनके ऊपर की गई नकारात्मक टिप्पणी आदिवासी समुदाय को किस कदर नागवार गुजर सकती है, इसका अंदाजा ममता बनर्जी को बखूबी है। यही वजह है कि उन्होंने अपने मंत्री अखिल गिरी की टिप्पणी पर माफी मांगने के मामले को रफा दफा करना ही उचित समझा। वैसे भी ममता बनर्जी खुद आदिवासियों के बीच अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदाय 7 से 8% होने का अनुमान है। जंगलमहल क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्रों में, जिसमें बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम और पश्चिम मिदनापुर शामिल है। इसके अलावा उत्तरी बंगाल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, उत्तरी व दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में आदिवासियों की संख्या 25% तक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां की 22 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब भाजपा को आदिवासी क्षेत्रों से बड़ा समर्थन मिला था और जंगल महल की सभी 7 में उत्तरी बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। हालांकि 2021 के विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी वापसी करने में सफल रही, तब उसने जंगल महल जिले में जीत दर्ज की थी। ऐसे में ममता कोई भी गलती करना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति के अपमान पर माफी मांगकर आदिवासियों की नाराजगी से बचने की कोशिश की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल अब्जी लाइव के साथ। धन्यवाद।